मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तुम बस ये बताओ कि क्या हुआ था। साहब, कस्टमर्स को कॉफी सर्व करते वक्त मुझे उनकी बातें सुनने की आदत थी। ये मेरा शौक था साहब, और धीरे धीरे ये मेरी आदत हो गई। एक दिन जब भावना मैडम ने परेश से कहा कि वो उसे देर रात लोखंड वाला बैंक रोड पर मिलेगी, वो लोग भाग जाएंगे, तो मैंने परेश का चेहरा देखा साहब। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा कि जब भावना इतने सारे गहने और रुपए लेकर अकेले ही आएगी, तो क्यों ना वहाँ जाकर ये गहने और रुपए छीन लूँ। और फिर